हेलो फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, जो छात्रों का रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। और आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी ये बीकॉम पार्टनर के लिए है, डॉक्टर H.c. मेहरोत्रा का के बुक से है। इसके बाद जो है हमारा अगला एडिशन कोस्ट आएगा, मैनेजमेंट आएगा, एस्टेटिक्स आएगा। तो पहले हम इनकम टैक्स को सॉल्व करना चाहते हैं और छात्रों का रिक्वेस्ट भी था। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक बार पढ़ के सुनाते हैं। लिखा हुआ है कि मिस्टर ए दिल्ली में एक मकान संपत्ति के स्वामी है, और शायद क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट आ रहा होगा। संपत्ति का निर्माण 30 नंबर 12 को पूरा हुआ है। संपत्ति में 4 इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई का वास्तविक किराया 48,000 प्रति वर्ष है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मानक संपत्ति का मानक किराया 2,20,000 रुपया है। नगर पालिका मूल्यांकन 1:65 है, और ऐसी ही संपत्ति का किराया 2,00,000 है। तो चूंकि जैसा कि आप इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, आपने स्टडी किया होगा कि मकान संपत्ति से आय निकालने के लिए या फिर वार्षिक मूल्य निकालने के लिए जो फॉर्मेट होता है ना, वो मैं एक बार दोबारा स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये MV है, FR है, SR है, AR है, ER है। तो क्वेश्चन में क्या सर दिया हुआ है? क्वेश्चन में AR दिया हुआ है 48,000 प्रति वर्ष। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AR जो है 48,000 है, गुना कितना इकाई है? 4 इकाइयाँ हैं, इसको हम 4 से गुना कर लेंगे। 4×8=32, 4×16=19, 1,92,000। आगे लिखा हुआ है कि ऐसी संपत्ति का किराया 2,00,000 है, तो ये उचित किराया हो गया, FR हो गया 2,00,000। नगर पालिका मूल्यांकन है 1,65,000। आगे है कि मानक किराया 2,20,000, SR है 2,20,000। आइए, सारा कुछ दिया हुआ है, ER को निकालना होता है, आप पढ़ चुके हैं, MBFR में से बड़ा परंतु SR से अधिक ना हो, दोनों में बड़ा कौन सा है? 2,00,000 है ना, ये 2,00,000 आपका ER कहलाएगा। आगे आप पढ़े हुए हैं कि AR तथा ER में से जो बड़ा होगा वही आपका GAV कहलाएगा। ये बड़ा कौन सा है? 2,00,000 है। आपको निकालना है एनुअल वैल्यू, आप हेडलाइन लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ मिस्टर ए। जीएवी निकल चुका है, एक ही लाइन होता है, पार्टिकुलर्स यहां पर जो है अमाउंट लिखते हैं। GAV का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यूज, हिंदी में सकल वार्षिक मूल्य बोलते हैं, ये है 2,00,000। तो ये है 2,00,000, 2,00,000 में से हमने 35,000 म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर दिया, जो आया वो कहलाएगा 1,65,000, ये आपका एनुअल वैल्यू कहलाएगा, एनुअल वैल्यू। और क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यू 1,65,000, फेयर उचित किराया 2,00,000, मानक किराया 2,20,000, AR दिया हुआ है 48,000 प्रति वर्ष, प्रति मकान 4 इकाई है तो 4 से गुणा कर लेंगे हम, 1,92,000। और ER तो MBFR में से जो बड़ा होता है ना वो ER कहलाता है, AR और ER में से जो बड़ा होगा वो GAV कहलाएगा। तो GAV का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। ये हो गया 2,00,000। आपको निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ मिस्टर ए। यहाँ पर डेट लिखते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2017 से 2018। तो GAV हो गया 2,00,000, म्यूनसिपल टैक्स हो गया 35,000, जो आएगा वो एनुअल वैल्यू कराएगा। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। यदि ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, ताकि आपको हमारा आने वाला हर वीडियो मिलता रहे। यदि आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 8789046311। आप बेहिचक इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप हमसे इस नंबर पे पूछ भी सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।